नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे तमिलनाडु की तेनकासी लोकसभा सीट की, जहां से AIADMK की नेता एम वसंती सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर PT पार्टी के नेता डॉक्टर कृष्णस्वामी को 161,474 वोटों से हराया था। एम वसंती को यहां पर 4,24,586 वोट मिले थे, तो वहीं डॉक्टर कृष्णस्वामी को यहां पर 2,62,812 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर नंबर 3 पर MDMK, नंबर 4 पर कांग्रेस थी। MDMK के प्रत्याशी को 1,90,233 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 58,963 वोट मिले थे। तेनकासी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला का हिस्सा है और मंदिरों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बहुत सारी पारंपरिक विरासत को समेटे तेनकासी में आय का मुख्य स्रोत कृषि और मत्स्य पालन है। आसा का केंद्र तेनकासी की कुल जनसंख्या 18,826 है, जिसमें से 51.99% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और 48.01% लोग शहरों में निवास करते हैं। यहाँ पर 22% लोग SC वर्ग के हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तेनकासी लोकसभा सीट SC वर्ग के लिए आरक्षित है। साल 1957 में यहाँ पहला आम चुनाव हुआ, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। तब से लगातार 9 बार यहाँ पर कांग्रेस का ही राज रहा और यहाँ से एम अरुणाचलम लगातार 6 बार सांसद चुने गए। वो 1977, 80, 84, 89, 91 में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए, लेकिन साल 1996 का चुनाव उन्होंने TMC की टिकट पर जीता था। साल 1998 में पहली बार ADMK को यहाँ पर जीत मिली थी और 1999 में भी उसके ही सांसद को गद्दी मिली थी, लेकिन साल 2014 का चुनाव यहाँ पर AIADMK ने जीता और एम वसंती यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुँची। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में सांसद एम वसंती की उपस्थिति 74% रही है। इस दौरान उन्होंने 21 डिबेट में हिस्सा लिया है और 250 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 13,82,081 थी, जिसमें से केवल 10,17,938 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 4,90,748 और महिलाओं की संख्या 5,27,190 थी। कांग्रेस अगड़ कही जाने वाली तेनकासी लोकसभा सीट पर लंबे वक्त से कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है, तो वहीं DMK को इस सीट पर अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। साल 2004 और 2009 में लगातार इस सीट पर राज करने वाली CPI साल 2014 के चुनाव में नंबर 5 पर थी। उसका प्रदर्शन बेहद ही खराब था, जबकि AIADMK ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर बाजी मारी थी। लेकिन क्या इस बार इस सीट पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुंडेट कणगम कमाल दिखा पाएगी, वो भी तब जब उसे बिखराव और फूट के दंश से जूझना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार इस सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा होगा, जिसमें जीत उसे ही मिलेगी जिसे यहां पर जनता पसंद करेगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेट कड़गम ने पूरे राज्य में 39 में से 37 सीटों पर कब्जा किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई सीट के लेखे जोखे के साथ। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।